हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ट्रेडिशनल गुजराती भाकरी बनाना दिखाऊंगी। ये खाने में तो बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप आटा, 40 ml ऑयल, यहाँ मैंने 80 ml लिया है, 1 टीस्पून नमक, आधा टी स्पून अजवैन। नमक और अजवैन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और तेल यहाँ मैंने 80 ml लिया है, लेकिन इतना नहीं लगेगा, इसका हमें आधा ही चाहिए, 40 ml। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा छान लेंगे। आटा छानना बहुत ही ज़रूरी है, आप कोई भी आटा लीजिए, उसे छान ज़रूर लीजिएगा। अब हम इसे छान लेंगे। हमारा आटा छन गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक, आधा टी स्पून अजवैन। अजवैन हमेशा मैं ऐसे मसल के डालती हूँ, इससे इसके सारे फ्लेवर्स रिलीज़ होते हैं। आप भी ज़रूर ऐसा ट्राई करिएगा। फोर्टी एम एल ऑयल, मैंने 80 ml दिखाया था आपको कप में, मैं उसका ठीक आधा कप डाला है मैंने, 40 ml, उसे मैं मिक्स कर रही हूँ। उसको अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, एकदम ब्रेड क्रम जैसा कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए इसकी। देखिए पूरा तेल मिक्स हो चुका है और अभी धीरे धीरे इसमें गीठे पड़ने लगेंगी। ये देखिए, अब जैसे ही मैं आटे को अपनी मुट्ठी में दबाऊंगी, ये देखिए कितना अच्छा गोला बन गया है। हमें यही टेक्सचर चाहिए। अगर आपको तेल का अंदाज़ा ना पड़े तो आप तेल चम्मच से डालते जाइए जब तक ऐसा टेक्सचर नहीं आता है। ये देखिए अब मैं इसे तोड़ती हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये टूट गया है। ये परफेक्ट ऑयल और आटे का कंसिस्टेंसी है। देखिए इसमें मेजरमेंट की कोई टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए पूरा आधा कप मेरा बचा हुआ है, मेरा 80 ml कप था ये, 1/3 कप जिसे हम कहते हैं। ये देखिए पूरा आधा कप लगा है मुझे, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम साइड रख देंगे। अब मैं ये 1 टीस्पून जिसमें मैंने नमक लिया था, 1 टीस्पून वाला चम्मच, वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। 1 टीस्पून करके हम ये आटा बांधेंगे। जी हाँ, 1 टीस्पून करके ही हमें बांधना पड़ेगा इस आटे को, वरना पानी अगर ज़्यादा हो गया तो आपका पूरा आटा बिगड़ जाएगा और उसकी रोटियाँ बन जाएंगी या पराठा बन जाएगा। हम वो टेक्सचर नहीं चाहते हैं, हमें बनानी है क्रिस्प कुकी लाइक भाकरी, नॉट कुकी लाइक बट थोड़ा सॉफ्ट होगी। देखिए मैं 1 टीस्पून करके आपको ये प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ। मुझे यहाँ पे टोटल 15 टीस्पून तो लगे हैं और 1-2 टीस्पून शायद मैंने आटे को इकट्ठा करने के लिए लिए होंगे, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ बाद में। ये देखिए ये मेरा आटा लगने लगा है, इट्स कमिंग टुगेदर। ये देखिए कितना अच्छा आटा एक साथ हो रहा है। ये देखिए ये 1-1 टीस्पून करके ही पानी लीजिएगा आप, प्लीज़ एक साथ मत डालिएगा। यही इस भाकरी की मेन सीक्रेट है बोल सकते हैं, या टिप बोल सकते हैं। भाकरी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप इसे ही फॉलो करिएगा, आपकी भाकरी बहुत अच्छी बनेगी। इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, आप चलते फिरते खा लीजिए, आप बना के रख दीजिए, बच्चे ऐसे ही खा लेंगे अचार के साथ। बहुत ही अच्छी और हेल्दी डिश है ये। और नवरात्र का टाइम चल रहा है तो आप ये राजगिरा का आटा, कुट्टू का आटा किसी के साथ भी ऐसा करके बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए मेरा पूरा आटा लग गया है और बहुत ही अच्छा बना है। और जो थोड़ा बहुत आटा मेरे क्रम्स है नीचे, वो मैं देखिए थोड़ा थोड़ा पानी, मैं पानी अब टीस्पून से नहीं ले रही हूँ, मैं हाथ को जस्ट गीला करके उन चूरों को, आटे को इकट्ठा कर रही हूँ।
पानी एक्स्ट्रा मत डालिएगा, ये मैं आपको बार बार एक चीज़ आपको याद दिला रही हूँ। पानी अगर ज़्यादा हो गया तो आटा नहीं, भाकरी नहीं बनेगी, उसका पराठा ही बनेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो गया है मेरी भाकरी का। ये देखिए देखिए, ऐसे मैंने हाथ को गीला किया है, और अगर आपको लगे कि आपका आटा नहीं आ रहा, थोड़ा सा हाथ गीला करके ऐसे ही उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। हमारा चकला बेलन रेडी है। गैस सिम रखिएगा, ये और एक पॉइंट है भाकरी बनाने का। गैस स्लो रखिएगा, लोहे का तवा लीजिएगा। नॉन स्टिक तवे में भी बना सकते हैं, पर मुझे लगता है लोहे में जो बनेगा, भारी लोहे में, वो शायद वैसा टेक्सचर नहीं आएगा भाकरी का, जो कलर आना चाहिए भाकरी का। तो देखिए, मैंने 1 कप आटे में मैंने 4 लोई बन गए हैं, 4 भाकरी। आप चाहे तो 6 भी बना सकते हैं, छोटी छोटी। अब देखिए, मैं इसको ऐसे ऐसे दबा रही हूँ, ऐसे दबाने से वो इकट, देखिए इकट्ठा हो जाता है आराम से। इसमें आपको हाथ का भी उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी भाकरी हमारी, आटा अच्छा बना है या नहीं बना है वो कैसे पता चलेगा। अब जब मैं बेल रही हूँ इस आटे को, तो आप साइड्स में देखिएगा, क्रैक्स होंगे। देखिए ये जो क्रैक्स है ना, ये बताता है कि हमारा भाकरी का आटा परफेक्ट बंधा है। आप चाहे तो ऐसे बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी और बेलनी पड़ेगी इसको, तो इसको आप चाहे तो बंद कर दीजिए। नहीं भी बंद करेंगे तो ये क्रैक्स वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है भाकरी में। थोड़ा सा और बेल देती हूँ। बेलन के इस तरफ से हम उसका डिज़ाइन देते हैं। आपके पास कोई भी नोकीली ऐसी चीज़ हो, उसके साथ आप पेन पेंसिल, आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा डिज़ाइन दीजिए, पर ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूर दीजिएगा, या आपको जो डिज़ाइन पसंद हो। हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब ये वाला साइड में तवे के गर्म हिस्से पर डालूंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारी भाकरी को सिकने में। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा कलर आया है। हमें दोनों साइड्स को पहले बिना तेल घी के सेकना है, उसके बाद हम थोड़ा तेल लगाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा घी अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो तेल घी, आपको जो ठीक लगे आप अप्लाई करिए। ये हमारा दूसरा हिस्सा था। दूसरे साइड पे भी मैंने घी लगा दिया है। ये देखिए, अब मैं इसको पलट दूंगी। ये इसे डाटा कहते हैं, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये लकड़ी का होता है, आपके पास कपड़े का बन हो तो आप उससे भी कर लीजिए, जैसे आप करते हो अपना पराठा या जो भी। मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, इससे क्या होता है इवनली सब सिक जाएगा, और जो कलर, एक सेका हुआ जो रंग आता है ना भाकरी का, वो इसी से ही आता है। देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया है इसका। इसको दबाना है, फिर घुमाना है, दबाया फिर घुमा दिया, दबाया फिर घुमा दिया। देखिए आप दबाइए, जैसे ही आपको एक आवाज़ आएगी आप फिर घुमा दीजिएगा उसको। थोड़ा सा हम बीच में भी इसमें लगा देंगे। देखिए देखिए, ये क्रैक्स कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्रैक्स। ये हमें दिखाता है टेक्सचर कि ये की भाकरी क्रिस्प होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये बहुत दिन चलती भी है, आप इसे 1-2 दिन बाहर भी रखेंगे, इसको कुछ नहीं होता है। आप
दो दिन तो ये आराम से बाहर अच्छी रहती है। अगर ये आपने आटा आपका ठीक बंधा हुआ होगा तो ये बाहर 2 दिन तक बहुत ही आराम से रहती है। वैसे अगर बचेगी तो आप रखिएगा, मेरे तो यहाँ बचती ही नहीं है, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है इस भाकरी का, यही हमें चाहिए था। वाओ लुक एट दैट कलर। इसे मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। इसे आप अचार चाय के साथ ही खाइए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाओ जस्ट लुक एट दैट फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए हमें पूरे 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर आपके पास 2-3 तवे हैं तो आप 2-3 तवे बिठा लीजिए। इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ अभी खाने वाले हैं। एंजॉय।